हेलो एवरीबॉडी माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं हूं सालार और हम जावास्क्रिप्ट लर्न कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स को कोड करके। और आज हम एक माइलस्टोन अबूर करने वाले हैं। पता है वो क्या? वो ये है कि हम प्रोजेक्ट नंबर 10 के ऊपर आ गए हैं। हमने 50 प्रोजेक्ट्स कोड करने हैं और नंबर 10 एक माइलस्टोन है। अब क्योंकि हम एक माइलस्टोन अबूर कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट भी मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग लेकर आया हूँ, मोहब्बतों भरा प्रोजेक्ट लेकर आया हूँ आपके लिए। हम दिल बांटेंगे, हम दिल बनाएंगे, हम दिलों को पब्लिश करेंगे। तो आज सिर्फ दिल की बातें होंगी, आज सिर्फ दिल लगी होगी और इसी दिल लगी के साथ साथ हम बहुत सी जावास्क्रिप्ट लर्न कर चुके होंगे। अब इससे पहले कि मैं आपको ये दिखाऊं कि ये मोहब्बतों भरा प्रोजेक्ट क्या है, मेक श्योर दोस्तों कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, राइट? सो लेट्स नाउ मूव ऑन टू अवर प्रोजेक्ट नंबर 10 ऑन जावास्क्रिप्ट। द नेम ऑफ अवर 10th प्रोजेक्ट इज रैंडम हार्ट। जी हाँ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हम रैंडमली हार्ट आइकन को बॉडी में डिफरेंट पोजिशन के ऊपर प्रिंट करवाने वाले हैं। यकीनन देखने में इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। मैंने इस एप्लीकेशन को पेज लोड के साथ अटैच किया है, तो जब भी हम अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे तो रैंडमली रैंडम पोजिशन के ऊपर हमें 100 हार्ट आइकन्स जो है वो देखने को मिलेंगे। और कोड के अंदर आप नंबर ऑफ आइकन्स को आप कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। मैंने 100 की वैल्यू चूज की है, आप 50 कर सकते हैं, 200 कर सकते हैं, 1000 कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट भी है और इम्पोर्टेंट भी, क्योंकि हमें इसमें बहुत कुछ लर्न करने को मिलने वाला है। तो चलें जल्दी से इस प्रोजेक्ट के लर्निंग गोल्स को देख लेते हैं। हम इस प्रोजेक्ट में लर्न करेंगे कि विंडोज लोड इवेंट को जावास्क्रिप्ट में किस तरीके से कोड किया जाता है। हम इस प्रोजेक्ट में जावास्क्रिप्ट के सेट इंटरवल फंक्शन को भी यूज करेंगे और हम इस प्रोजेक्ट में विंडोज ऑब्जेक्ट की जो दो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इनर विड्थ और इनर हाइट, इनको भी यूज करना शुरू करेंगे। हम बेसिकली एक कैनवास ड्रॉ करेंगे जिसके अंदर हमारे हार्ट जो है वो प्रिंट हो रहे होंगे। इसके अलावा हम डॉम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के बहुत से फंक्शंस को यूज करने वाले हैं। हम क्रिएट एलिमेंट फंक्शन को यूज करेंगे, हम अपेंड चाइल्ड फंक्शन को यूज करेंगे, हम क्लास लिस्ट प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, राइट? तो ये हमारे प्रोजेक्ट के लर्निंग गोल्स हैं। अब टाइम आ गया है डेवलपमेंट का, तो चलें इस प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट को स्टार्ट करते हैं। हम हमेशा की तरह एक प्रोजेक्ट फोल्डर बनाएंगे, अपने डेस्कटॉप पे जाते हैं और यहाँ पे राइट क्लिक करके हम एक प्रोजेक्ट फोल्डर को बना लेते हैं। इसको मैं नाम देता हूँ रैंडम हार्ट्स। अब हम VS कोड में जाते हैं और इस प्रोजेक्ट फोल्डर को वहां पे ओपन कर लेते हैं। फोल्डर को VS कोड में ओपन करने के लिए एक्सप्लोरर के अंदर जो ओपन फोल्डर का बटन है आप इस पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर फाइल मेन्यू के अंदर जाके आप यहां से ओपन फोल्डर के ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। अब डेस्कटॉप पे चलते हैं और हमने ये फोल्डर बनाया था रैंडम हार्ट्स, इसको अपने VS कोड के अंदर खोल लेते हैं। तो फोल्डर रैंडम हार्ट्स हमारा ओपन हो गया है। इस फोल्डर के अंदर हमें तीन फाइल्स की जरूरत है। एक फाइल होगी HTML की, इसको हम नाम देते हैं index.html। एक फाइल हमारी होगी CSS की, इसको नाम देते हैं style.css। और एक फाइल हमारी होगी JavaScript की, इसको नाम देते हैं app.js, राइट? सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट की HTML को कोड करेंगे और बिलीव में कि HTML इसके अंदर ना होने के बराबर है। सबसे पहले HTML के डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर को कॉल कर लेते हैं और अपने डॉक्यूमेंट को हम टाइटल दे देते हैं, जो कि हमारे प्रोजेक्ट का टाइटल है रैंडम हार्ट। अब आ जाते हैं बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर बेसिकली हमें चाहिए तो कुछ भी नहीं, बॉडी बेसिकली हमारी एम्प्टी रहेगी, क्योंकि जो आइकन्स हैं वो जावास्क्रिप्ट डायनामिकली क्रिएट करेगा और उसको बॉडी के अंदर प्लेस करेगा। लेकिन यहाँ पे जो समझने वाली चीज है वो ये है कि आइकन्स हम कहाँ से लेके आते हैं और उनका कोड किस तरीके से होता है और वो HTML में किस तरीके से प्लेस होते हैं। जब ये चीज समझ में आ जाएगी तो आइकन्स को हम फिर जावास्क्रिप्ट के थ्रू क्रिएट करेंगे और बॉडी में प्लेस करेंगे। हार्ट आइकन के लिए जो मैं सिस्टम यूज कर रहा हूँ वो है फॉन्ट ऑसम। फॉन्ट ऑसम एक आइकन्स की लाइब्रेरी है, वहां पे फ्री और पेड आइकन्स मौजूद होते हैं। मैं पहले भी अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर फॉन्ट ऑसम को यूज कर चुका हूँ और मैंने वहां पर भी बताया है कि आइकन्स को किस तरीके से HTML प्रोजेक्ट्स के अंदर लाया जाता है। तो अब हम दोबारा से इस पूरे प्रोसेस को देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने अपना ब्राउजर खोलना है और वहां पे हमने फॉन्ट ऑसम की जो वेबसाइट है उसको ओपन कर लेना है। इस फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट में यहाँ पे हमें आइकन्स का ऑप्शन नजर आता है। इस आइकन्स के ऑप्शन पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे राइट साइड पे हमें देखने को मिलेगा फ्री एंड ओपन सोर्स आइकन्स। तो यहाँ से हम फ्री एंड ओपन सोर्स आइकन्स को क्लिक करते हैं और इस सर्च बार के अंदर हम सर्च करवाते हैं हार्ट आइकन को। नाउ यू सी कि हमारे पास काफी ज्यादा हार्ट आइकन्स हैं जिनको हम यहाँ से यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये जो सॉलिड हार्ट आइकन है इसको सेलेक्ट करूंगा, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, एक छोटी सी विंडो खुल जाएगी। इस विंडो के अंदर ये जो कोड आप देख रहे हैं ये बेसिकली हार्ट आइकन को
ड्रॉ करेगा, और ये HTML कोड है। इस कोड को मैंने यहाँ से कॉपी कर लेना है। इस कोड को अभी हमने स्टडी भी करना है, लेकिन पहले इसको यहाँ पे कॉपी करते हैं। अब इस कोड को मैंने अपने HTML में यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब हम ब्राउजर में चलते हैं, अपने index.html को खोलते हैं और देखते हैं कि हमें हार्ट का आइकन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। हम डेस्कटॉप में अपने फोल्डर के अंदर जाते हैं और यहाँ पे हमें मिलेगी index.html फाइल, जिसमें हमें अपना आउटपुट देखने को मिलने वाला है। इस फाइल को डबल क्लिक करके अपने ब्राउजर में खोल लेते हैं। नाउ यू सी कि हमें यहाँ पे आइकन शो नहीं हो रहा है। अगर मैं आपको डेव टूल में दिखाऊं तो यहाँ पे बॉडी के अंदर आप देख सकते हैं कि एलिमेंट जो है वो मौजूद है, लेकिन आइकन शो नहीं हो रहा है। उसकी क्या वजह है? उसकी सिंपल सी वजह यह है कि HTML को कैसे पता चलेगा, हमारे डॉक्यूमेंट को कैसे पता चलेगा कि ये जो I एलिमेंट है जिसके पास F और सॉलिड यानी फॉन्ट ऑसम सॉलिड और फॉन्ट ऑसम हॉट की क्लासेस हैं, ये बेसिकली कन्वर्ट होनी चाहिए एक हॉट आइकन में। तो हमारे HTML डॉक्यूमेंट के पास इस हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपने HTML डॉक्यूमेंट को एक लिंक या फिर एक API ऐसी देनी पड़ेगी जहां से वो जाके इंफॉर्मेशन लेके आएगा कि ये जो I एलिमेंट है जिसके पास ये दो क्लासेस हैं, इसको मैंने शो करवाना है आइकन के तौर पर, हॉट आइकन के तौर पर। तो हमें फॉन्ट ऑसम के API की जरूरत है, एक लिंक की जरूरत है। और वो लिंक हमें कहाँ से मिलता है? उसके लिए हम जाते हैं CDN.js की वेबसाइट के ऊपर। और यहाँ पे जो ये इतना बड़ा सर्च आपको बाहर नजर आ रहा है, यहाँ पे आपने सिर्फ सिर्फ लिखना है फॉन्ट ऑसम। मैंने खाली फॉन्ट ही लिखा था यहाँ पे, तो फॉन्ट ऑसम सबसे पहले टॉप में आ गया। इसको मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ। अब आपको काफी ज्यादा यहाँ पे लिंक्स मिलेंगे, राइट? तो ये है लिंक्स फॉन्ट ऑसम के। इसमें जो पहला लिंक है जिसके आखिर में अमूमन लिखा होता है all.min.css, इस लिंक को हमने यहाँ से कॉपी करना है। और कॉपी करने के लिए हमने इस बटन को क्लिक करना है जो कि HTML के लिए है। मैं यहाँ से इसको कॉपी करूंगा और अपने HTML में ये जो हेड सेक्शन है यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, राइट? तो अब मैंने जो है वो फॉन्ट ऑसम के लिंक को अपने HTML डॉक्यूमेंट को दे दिया। अब हमारा HTML डॉक्यूमेंट जानता है कि इस कोड को मैंने एक आइकन की शक्ल देनी है। हम दोबारा से अपने पेज की तरफ जाते हैं और इसको सिंपली रिफ्रेश करते हैं। और जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया, नाउ यू सी के हॉट का आइकन यहाँ पे शो होना शुरू हो गया। तो इस तरीके से हम आइकन्स को अपने HTML के अंदर ऐड कर सकते हैं। अब जरा इस आइकन के कोड को जरा बहुत करीब से समझ लेते हैं, क्योंकि हमें इस कोड को जावास्क्रिप्ट के अंदर डेवलप करना है। देखिए, ये जो आइकन का कोड है ये हमें इनलाइन एलिमेंट्स के अंदर मिलता है, जैसे कि आई एलिमेंट HTML का एक इनलाइन एलिमेंट है। और यहाँ पे ये जो इनलाइन एलिमेंट है ये कोई बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं कर रहा है। जो असल चीज यहाँ पर है वो ये बेसिकली दो क्लासेस हैं। लेट्स से कि मैं इस आई इनलाइन एलिमेंट को स्पैन इनलाइन एलिमेंट से रिप्लेस कर देता हूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे फिर भी हार्ट का आइकन जो है वो ब्राउजर में मिलेगा। चेक कर लेते हैं, मैं अपने पेज को रिफ्रेश करता हूँ और नाउ यू सी कि मुझे हार्ट का आइकन जो है वो ब्राउजर के अंदर मिल रहा है। हालांकि मैंने आई एलिमेंट को, एज यू कैन सी, कि मैंने स्पैन से जो है वो चेंज कर दिया है। असल चीज जो है वो ये दो क्लासेस हैं, एफ और सॉलिड और एफ और हॉट। ये क्या कह रही है? फॉन्ट ऑसम, एफ और का मतलब होता है फॉन्ट ऑसम, वो हॉट का मतलब होता है टाइप। आइकन की टाइप जो है वो हॉट है, इसका जो स्टाइल है वो बेसिकली है सॉलिड। अगर मैं इसी टाइप को रखते हुए स्टाइल को चेंज करूंगा तो मुझे डिफरेंट हॉट का आइकन जो है वो मिल जाएगा। हम दोबारा से फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पे जाते हैं, ये हमारी वेबसाइट है, और क्लिक करते हैं हॉट के आइकन के ऊपर, राइट? अब आप देखेंगे कि जो हार्ट का आइकन हमने चूज किया है इसका जो स्टाइल है वो है सॉलिड। हमारे पास यहाँ पे रेगुलर भी है, इसका जो स्टाइल है वो है रेगुलर, लेकिन इसका जो टाइप है वो हॉट ही है। तो अगर मैं सॉलिड को रेगुलर कर दूंगा अपने कोड में तो मुझे फिर ये रेगुलर आइकन मिलेगा। चेक कर लेते हैं, मैं यहाँ पे सॉलिड को हटा के इसको कर देता हूँ रेगुलर। अब हम दोबारा से अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं तो नाउ सी कि हमें रेगुलर आइकन जो है वो मिल रहा है, राइट? तो बेसिकली जितने भी आइकन्स को प्रोवाइड करने वाली सर्विसेज हैं वो हमें आइकन्स इसी तरह प्रोवाइड करती हैं। आइकन्स जो है वो किसी इनलाइन एलिमेंट्स के अंदर होते हैं और जो उनके अंदर बेसिकली क्लासेस होती हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं, वो आइकन को ड्रॉ कर रही होती हैं।
अब क्योंकि हमें अपने प्रोजेक्ट के अंदर 100 हॉट्स प्रिंट करवाने हैं, तो हमें 100 टाइम इस कोड को अपने एचटीएमएल बॉडी में डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर इंसर्ट करना पड़ेगा। तो ये सारा काम बेसिकली जो है वो जावास्क्रिप्ट करेगी, राइट। तो अब इससे पहले कि हम जावास्क्रिप्ट में जाएं, हमें इस आइकन की सीएसएस को फिक्स करना होगा। हम चाहें तो यहाँ पे अपनी एक क्लास भी डाल सकते हैं, या तो फिर हम इन्हीं क्लासेस को यूज करके सीएसएस में इस आइकन को स्टाइल भी कर सकते हैं। तो सीएसएस फाइल हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, इस फाइल को सबसे पहले तो हम अपने एचटीएमएल के साथ लिंक करवा देते हैं, राइट। अब चलते हैं अपनी सीएसएस फाइल के अंदर। सबसे पहले हम बॉडी को टारगेट कर देते हैं। बॉडी के पास जो डिफॉल्ट हेडिंग होती है 8 पिक्सल्स की, उसको हम 0 करवा देते हैं। उसके बाद हम बॉडी को एक हाइट और विड्थ दे देते हैं 100, व्यू पॉइंट की हाइट और विड्थ दे देते हैं 100, 100 व्यू पॉइंट की विड्थ। उसके बाद हम इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको ब्लैक कर देते हैं। अब जरा अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं और इसी के बॉडी के पास ब्लैक कलर जो है वो आ गया। हमारा आइकन का कलर भी ब्लैक है, इस वजह से वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा। अब हम अपने आइकन को टारगेट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे इस वाली क्लास को यूज कर लेता हूँ और इसका सिलेक्टर बनाता हूँ यहाँ पे, और आइकन को हम कलर देते हैं रेड, और इसका जो साइज है उसको हम कर देते हैं लेट्स से 40 पिक्सल्स। अब फिर से रिफ्रेश करते हैं अपने पेज को, नाउ सी राइट कि इसका साइज भी बड़ा हो गया और इसका कलर भी चेंज हो गया। अब इसके बाद हमने सीएसएस के अंदर एक छोटा सा काम करना है, वो ये है कि हमने पोजीशन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है। और ये छोटा सा काम है और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। उसकी वजह यह है कि हमें हॉट एलिमेंट्स चाहिए डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर, तो हमें पोजीशन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अदरवाइज जो एचटीएमएल के एलिमेंट्स होते हैं उनका अपना एक फ्लो होता है, जो इन लाइन एलिमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के बराबर में आके बैठते हैं, और जो ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो न्यू लाइन पे शुरू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस आइकन को यहाँ से कॉपी करूँ और इसको 4 टाइम यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, फिर मैं अपने पेज को रिफ्रेश करूँ, तो मैं सी कि ये इनलाइन एलिमेंट्स हैं, ये एक दूसरे के बराबर में आकर बैठ गए। अगर ये ब्लॉक एलिमेंट होता तो हमें रिजल्ट कुछ इस तरीके से मिलता, हमें कॉलम के अंदर यहाँ पे रिजल्ट मिलता। लेकिन हमने इन आइकन्स को रैंडमली मुख्तलिफ पोजिशंस के ऊपर जो है वो प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए हमें डेफिनेटली पोजिशन का यूज़ करना है। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, जो कंटेनर होता है जिसके अंदर हमें आइटम को रैंडमली मुख्तलिफ पोजिशंस के ऊपर, पिक्सल्स पोजिशंस के ऊपर प्रिंट करवाना होता है, उस कंटेनर को हम करते हैं रिलेटिव, राइट। और जो आइटम्स होते हैं एचटीएमएल के जिनको हमने मुख्तलिफ पोजिशंस पे लेके जाना होता है, उनको हम पोजिशन देते हैं एब्सोल्यूट। जब हम एब्सोल्यूट पोजिशन देते हैं तो हमारे पास जो ऑफसेट प्रॉपर्टीज होती हैं लाइक लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम, वो बेसिकली ओपन हो जाती हैं। यानी कि हम लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम जो है वो अप्लाई कर सकते हैं या इस हार्ड आइकन को मुख्तलिफ पोजिशन पे प्रिंट करने के लिए। लेट्स से कि मैं यहाँ से जो एक्स्ट्रा हार्ड आइकन से उनको रिमूव करता हूँ और यहाँ पर आके मैं इसको ऑफसेट प्रॉपर्टी देता हूँ लेफ्ट एंड टॉप। मैं टॉप देता हूँ 100 पिक्सल्स और लेफ्ट भी देता हूँ 100 पिक्सल्स, राइट। अब सर अपने पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं, नाउ यू सी कि हमारा जो आइकन है वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, राइट। तो हमने 100% टॉप दिया था तो ऊपर से नीचे ये डिस्टेंस जो है वो 100% है, और हमने 100% ये लेफ्ट दिया था तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो भी 100% है। और ये जो हमारी बॉडी है ये इस वक्त 2-डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें 0-0 जो पॉइंट है वो बेसिकली ये पॉइंट है। ये हमारे पास पूरा एक्सिस है जिसको हम लेफ्ट कह सकते हैं, और ये पूरा हमारा वाई एक्सिस है जिसको हम टॉप कहेंगे, ठीक हो गया। अब कोड में चलते हैं और जावास्क्रिप्ट में जाने से पहले एक मरतबा ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने वहां पे काम क्या करना है। सबसे पहले तो ये जो टॉप और लेफ्ट हमने अप्लाई किया था, हमें इसकी यहाँ पे जरूरत नहीं है। अब जावास्क्रिप्ट का एल्गोरिथम कुछ इस तरीके से होगा, हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर बॉडी की जो टोटल विड्थ है और जो टोटल हाइट है उसको कैलकुलेट कर लेना है। यानी कि ये जो पूरी विड्थ है यहाँ से लेके यहाँ तक ये हम कैलकुलेट कर लेंगे, और ये जो पूरी हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। इसके लिए हमें कोई बड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास प्रॉपर्टी मौजूद है जो कि हमें ये पूरी विड्थ दे देगी और ये पूरी हाइट दे देगी। और जब हमें विड्थ तो हाइट मिल जाएगा तो हम उस विड्थ तो हाइट को यूज करते हुए एक रैंडम एक्स और वाई पॉइंट जो है वो जनरेट करवाएंगे, और ये रैंडम पॉइंट इस विड्थ तो हाइट की जो मैक्सिमम वैल्यूज है उससे कम होगा, ताकि आइकन जो है वो बॉडी से बाहर ना निकले। ये बॉडी बेसिकली हमारी कैनवास है, ये बॉडी के अंदर ही शो हो। और जब हमें वो पॉइंट मिल जाएगा उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट को यूज करते हुए इस तरह का एक एलिमेंट क्रिएट करेंगे, और जब ये एलिमेंट क्रिएट हो जाएगा तो हम इस एलिमेंट की लेफ्ट और टॉप जो
प्रॉपर्टीज हैं उनको यूज करेंगे और वो जो पॉइंट हमने जनरेट किया होगा एक्स और वाई का पिक्सल्स के अंदर, वो हम इसको यहाँ पे असाइन कर देंगे। ये सिंपल सा काम हमने जावास्क्रिप्ट में करना है और ये काम हमने रिपीट करना है 100 टाइम्स, और हर टाइम में हमने एक नया आइकन का कोड जनरेट करवाना है और हमें नया पॉइंट जो है वो जनरेट करवाना है और उस पॉइंट को हमने उस आइकन को असाइन करवा देना है। दैट्स इट। तो अब चलते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर और इस एप्लीकेशन को कोड कर लेते हैं। जावास्क्रिप्ट बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई और आपने फोकस करना है एप्लीकेशन की डेवलपमेंट के ऊपर। मैं एप्लीकेशन को कंपोनेंट्स में बनाऊंगा, टुकड़ों में बनाऊंगा और बाद में उन टुकड़ों को जोड़ दूंगा और हमारी एप्लीकेशन जो है वो रेडी हो जाएगी। अब सबसे पहला काम जो मैंने जावास्क्रिप्ट के अंदर करना है वो है क्रिएट हार्ट आइकन एलिमेंट। ये जो हमारे पास बेसिकली हार्ट आइकन है HTML की बॉडी में, ये हमने क्रिएट करवाना है जावास्क्रिप्ट से। तो मैं यहाँ से इसको उठा लेता हूँ, अब हमें इसकी यहाँ पे जरूरत नहीं है, और इसको मैं पहले लेके आता हूँ यहाँ पे और एक कमेंट के साथ इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो इस तरह का पूरा एलिमेंट हमें जावास्क्रिप्ट के जरिए क्रिएट करवाना है और इसको अपने बॉडी के अंदर अपेंड करवाना है। देखो कि ये काम बेसिकली हम किस तरीके से जावास्क्रिप्ट से लेते हैं। एलिमेंट को क्रिएट करने के लिए क्रिएट एलिमेंट फंक्शन का इस्तेमाल होता है जो कि ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट से बिलोंग करता है। तो मैं यहाँ पे कॉल करूंगा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट को और उसके बाद मैं कॉल करूंगा क्रिएट एलिमेंट को, राइट। और कौन सा एलिमेंट हमने क्रिएट करवाना है, हमें आई एलिमेंट क्रिएट करवाना है। तो ये जो लाइन ऑफ कोड है इससे हमें एक इस तरह का आई एलिमेंट जो है मिल जाएगा। ये जो हमारा वेरिएबल है ये बेसिकली इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहा है इस आई एलिमेंट को। अब जब हमारा आई एलिमेंट क्रिएट हो गया तो इसके अंदर अब हमने दो क्लासेस डालनी है, एफ ए सॉलिड एंड एफ ए हॉट। उसके लिए हम अपने हॉट एलिमेंट के ऊपर क्लास लिस्ट प्रॉपर्टी को कॉल करते हैं, राइट। क्लासेस को एक्सेस करने के लिए, एड या रिमूव करने के लिए जावास्क्रिप्ट की क्लास लिस्ट प्रॉपर्टी कॉल होती है, और इसके पास जो एड फंक्शन है उसको कॉल करेंगे। और पहली जो क्लास है उसका नाम है एफ ओ सॉलिड, और इसी तरह मैं इसको लेट्स से के कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। और जो दूसरी क्लास है वो है एफ आ हॉट, राइट। अब जब ये तीन लाइनें एग्जीक्यूट होंगी तो हमें पूरे का पूरा इस तरह का एलिमेंट मिल जाएगा। अब इस एलिमेंट को हमने बॉडी के अंदर अपेंड करवाना है, बॉडी के अंदर डलवाना है। तो उसके लिए हम अपेंड चाइल्ड या जो मेथड है या फंक्शन है वो यूज करते हैं बॉडी के ऊपर। तो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड, और कौन सा एलिमेंट हमने अपेंड करवाना है वो है हार्ट एलिमेंट। अब देखो मैं अपने पेज को रिफ्रेश करता हूँ, हमें हार्ट का आइकन नजर आएगा, वो इस पर नजर नहीं आ रहा, और उसकी वजह ये हो सकती है कि हमारी जो जावास्क्रिप्ट की स्क्रिप्ट फाइल है वो बेसिकली एग्जीक्यूट ही नहीं हो रही क्योंकि वो HTML के साथ अटैच्ड ही नहीं है, राइट। अब मामला ठीक है, अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं दोबारा से, और ये देखो हार्ट का आइकन आ गया। डेव टूल में जाते हैं और ये देखो हार्ट का आइकन यहाँ पे बॉडी के अंदर अपेंड हो गया। अब ये आइकन जावास्क्रिप्ट के थ्रू आ रहा है, ये देख लो हमारी जो HTML है वो खाली है, हमने यहाँ से आइकन को रिमूव कर दिया, ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू आइकन आ रहा है। और जैसे ही आइकन बॉडी के अंदर अपेंड होता है ये पूरी की पूरी CSS उसके ऊपर अप्लाई हो जाती है क्योंकि आइकन के पास सेम क्लास है जिसका यहाँ पे सेलेक्टर बना हुआ है। तो ये हमारा एक काम जो था वो यहाँ पे हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है कि हमने इस आइकन को रेंडमली बॉडी के अंदर मुख्तलिफ पोजिशन के ऊपर लेके आना है। बॉडी की जो विड्थ और हाइट है उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी प्रॉपर्टीज मौजूद है, बॉडी विड्थ एंड हाइट हमने कैलकुलेट करनी है यहाँ से। जो बेसिकली विड्थ की प्रॉपर्टी है वो कहलाती है इनर विड्थ, राइट, विंडोज ऑब्जेक्ट से बिलोंग करती है, और जो हाइट की प्रॉपर्टी है वो कहलाती है इनर हाइट। इससे हमें बेसिकली बॉडी की विड्थ तो हाइट मिल जाएगी, उसको हमने सेव कर लिया दो वेरिएबल्स के अंदर। अब जरा इन दो वेरिएबल्स को प्रिंट करवा के चेक भी कर लेते हैं। मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ और चलते हैं कंसोल के अंदर। ये देखो ये हमें बॉडी की विड्थ मिल ली है 1032
और 786 हमें बॉडी की हाइट मिली है। मैं अगर एलिमेंट्स में दोबारा जाऊं और यहाँ पे जो बॉडी को अगर मैं सेलेक्ट करूँ तो नीचे आप देख सकते हो कि इस वक्त जो बॉडी की हाइट यहाँ पे शो हो रही है वो हो रही है 1024 और 776। तो ये बेसिकली मैच नहीं कर रहा है इस नंबर्स के साथ। उसकी वजह यह है कि बॉडी के पास एक डिफॉल्ट मार्जिन होता है जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो इस मार्जिन को भी हम रिमूव कर देते हैं सीएसएस में। ये हमारी सीएसएस है, हमने बॉडी को टारगेट किया हुआ है और यहाँ पे हम पैडिंग तो जीरो कर रहे हैं और हम ये भी करते हैं कि मार्जिन को भी बॉडी की जीरो कर देते हैं। अब जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देखना है कि ये वैल्यूज जो है वो बेसिकली मैच करेंगे। ये देखो 1024 और 776 और कंसोल में हमें मिल रहा है 1024 और 776। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज जो है वो हमने करनी है वो ये है कि 1024 यहाँ से लेके यहाँ तक की जो है ना बेसिकली विड्थ है और 776 यहाँ से लेके यहाँ तक की जो है वो हाइट है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जो आइकन्स हैं वो थोड़ा सा बॉडी के अंदर आए, राइट। तो मैं क्या करूँगा कि ये जो विड्थ है और जो हाइट है इसके अंदर से मैं 50-50 पिक्सल से वो माइनस करवा दूंगा। उसकी वजह यह है कि कोई आइकन जो है वो कभी ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल कोने पे प्रिंट हो और फिर वो बाहर की तरफ चला जाए या यहाँ की तरफ चला जाए। मैं चाहता हूँ कि आइकन जो है वो इस कैनवास के अंदर जो है वो प्रिंट हो, ठीक हो गया। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर मैं क्या करूँगा कि जो भी मुझे बॉडी की विड्थ मिली होगी उसमें से मैं माइनस 50 कर दूंगा और बॉडी की हाइट में से भी मैं माइनस 50 कर दूंगा। अब इस हाइट और विड्थ की वैल्यू को यूज करते हुए मैंने दो रैंडम पॉइंट्स जो है वो जनरेट करवाने हैं और उसके लिए हम रैंडम फंक्शन का यूज करते हैं जो कि मैथ ऑब्जेक्ट के अंदर बिलोंग करता है। तो दो पॉइंट जनरेट करवाते हैं और उनको डिफरेंट वेरिएबल्स के अंदर सेव कर लेते हैं, राइट। तो हमारा जो कैनवास है, हमारी जो बॉडी है उसकी विड्थ और हाइट को यूज करते हुए हमने दो पॉइंट जनरेट करवाए और उनको हमने सेव करवा लिया लेफ्ट और टॉप वेरिएबल के अंदर, ठीक है। विड्थ हमारी जो है वो हॉरिजॉन्टल है तो इस वजह से मैं इसको लेफ्ट कह रहा हूँ और जो हाइट है हमारी वो वर्टिकल है और इसको मैं टॉप कह रहा हूँ। यही लेफ्ट और जो टॉप होंगे हमारे ये सी एस एस में रिप्लेस करेंगे इन दो प्रॉपर्टीज को, राइट। इससे हमारा जो आइकन है वो एक डिफरेंट पोजिशन पे जाके शो हो जाएगा। अब ये काम होने के बाद हमने अपने हार्ट आइकन के सीएसएस को हमने एक्सेस करना है जो कि हम स्टाइल प्रॉपर्टी के थ्रू करते हैं और जो स्टाइल हमने एक्सेस करना है बेसिकली वो ऑफसेट प्रॉपर्टी है टॉप और लेफ्ट। टॉप को मैं वैल्यू दूंगा टॉप की जो कि हमारा बेसिकली जो है वो वेरिएबल है और साथ में पिक्सल को इस तरीके से जोड़ दूंगा। इसी तरह मैं अब एक्सेस करूंगा लेफ्ट ऑफसेट को और इसको दूंगा लेफ्ट और मैं पिक्सल को जोड़ दूंगा, राइट। एंड आई थिंक ये जो टॉप है ये विंडो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, राइट। तो हम शायद टॉप को यहाँ पे एज ए वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते तो मैं यहाँ पे इसको दोनों वेरिएबल्स को इस तरीके से कर देता हूँ, राइट। तो आई होप के बात समझ में आ गई होगी कि हमने किया क्या है। हमने टॉप और लेफ्ट ऑफसेट को जावास्क्रिप्ट के थ्रू इनिशियलाइज कर दिया है, यानी कि जो काम हमने शुरू में मैंने दिखाया था जो काम हमने सीएसएस में किया था इस तरीके से वो काम हमने अब जावास्क्रिप्ट में कर दिया है। अब जरा पेज पे चलते हैं और इसके आउटपुट को चेक करते हैं। ये देखो हमारा आइकन जो है यहाँ पर शुरू हो रहा है और जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा ये किसी और जगह पर आ जाएगा, फिर रिफ्रेश करूंगा ये यहाँ पर शुरू हो रहा है। डेव टूल में चलते हैं और इसका कोड भी देख लेते हैं। देखो ये हमारा आइकन है और इसके टॉप और जो लेफ्ट है इसको ये वैल्यू असाइन हुई हुई है। अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखोगे कि डिफरेंट वैल्यू यहाँ पे असाइन हो गई और इस वैल्यू के हिसाब से ये आइकन हमारा जो है वो यहाँ पे पेस्ट हो रहा है। अब हमने करना क्या है, हमने इसको 100 टाइम जनरेट करवाना है और 100 टाइम डिफरेंट पोजिशन के ऊपर हमने इसको पेस्ट करवाना है। अब उसके लिए हम लूप नहीं चला सकते क्योंकि लूप जो है उसमें डिले नहीं होता, वो बहुत ही फास्ट चलता है। तो जावास्क्रिप्ट का जो फंक्शन यहाँ पे यूज होगा वो है सेट इंटरवल जो कि कोड को रन करवाता है थोड़े से इंटरवल के डिले के साथ। दूसरी चीज जो हमने यहाँ पे अप्लाई करनी है वो ये है कि हमने अपने कोड को रन करवाना है पेज लोडिंग के टाइम, राइट। तो ये दो काम हमने करने हैं और हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम ऊपर की तरफ जाते हैं,
यहाँ पे एक पेज लोड इवेंट जो है वो बनाते हैं। लोड इवेंट जो है वो विंडोज ऑब्जेक्ट के साथ जो है वो अटैच होता है, और उसके लिए हम एड इवेंट लिस्टनर को यूज करते हैं। इवेंट का नाम है लोड, और जब ये इवेंट फायर होगा तो एक फंक्शन को यहाँ पे इस तरह से कॉल करवा लेंगे। तो पेज लोड होते ही हमारा ये इवेंट फायर होगा और ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब जैसे ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, हमने क्या करना है कि हमने सेट इंटरवल फंक्शन को इसके अंदर एग्जीक्यूट करवाना है। तो पेज लोड होते ही सेट इंटरवल फंक्शन जो है वो जावास्क्रिप्ट को मिलेगा, वो इसको रन करवाना शुरू कर देगी। जो भी कोड इसके अंदर होगा, इन पैरेंथेसिस के अंदर होगा, वो 100 मिलीसेकंड के बाद वो रन होता जाएगा। तो अब इस पूरे कोड को जो मैंने यहाँ पे लिखा है, मैं यहाँ से इसको उठाता हूँ और इसको मैं डाल देता हूँ सेट इंटरवल फंक्शन के अंदर यहाँ पे। अब ये जो सेट इंटरवल फंक्शन है ये इनफिनाइट जाता है, यानी कि ये चलता रहेगा। इसी वजह से मैंने इसकी आईडी जो है वो यहाँ पे सेव की है। इसको मेरे ख्याल में सही नाम होगा इसका आईडी। तो अब इसको स्टॉप करवाने के लिए हमारे पास जो दूसरा फंक्शन है वो है क्लियर इंटरवल, और वहां पे हमें इस फंक्शन की आईडी देनी होती है। अभी सिर्फ वर्ब में चलते हैं और देखते हैं कि काम किस तरीके से कर रहा है। अभी देखो आपके, मैं अपने पेज को रिफ्रेश करवाता हूँ और ये देखो आप, राइट, हमारे जो हार्ट्स हैं वो प्रिंट होना शुरू हो गए। लेकिन अभी चलते रहेंगे, हमने 100 हार्ट्स प्रिंट करवाने तो हमने कोई लॉजिक ढूंढनी होगी ये सेट इंटरवल फंक्शन को स्टॉप करवाने के लिए। ये देखो ये बहुत सादा हो गया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ ऊपर की तरफ हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, उसको कहते हैं नंबर ऑफ हार्ट्स, और इसको हम इनिशियलाइज करवा देते हैं 0 से। अब उसके बाद यहाँ नीचे जब हम सेट इंटरवल फंक्शन में पूरा ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना ये जो नंबर ऑफ हार्ट्स वेरिएबल है इसको 1 से इंक्रीज करवाएंगे, और उसके फौरन बाद हम इसको चेक करवा लेंगे कि नंबर ऑफ हार्ट्स इज इक्वल टू 100 और नॉट। और जैसे ही ये 100 होगा तो हम क्या करेंगे कि हम क्लियर इंटरवल करवा देंगे, और क्लियर इंटरवल को हमने जो आईडी पास करनी है वो ये ऊपर जो हमने रिकॉर्ड की थी, ये इस वेरिएबल के अंदर आईडी मौजूद है, और इसको हम यहाँ से पास कर देंगे। तो जैसे ही नंबर ऑफ हार्ट्स की वैल्यू जो है वो 100 होगी, हमारा ये जो इंटरवल फंक्शन है वो स्टॉप हो जाएगा। तो दोस्तों प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं और इसके आउटपुट को देखते हैं। ये पेज रिफ्रेश हुआ एंड नाउ यू कैन सी कि हमारे हार्ट्स है वो प्रिंट होना शुरू हो गए, जबरदस्त। और ये 100 हार्ट प्रिंट्स होंगे और उसके बाद स्टॉप हो जाएगा। नाउ यू कैन सी 100 हार्ट्स के बाद हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो गया। डेव टूल में चलते हैं और जाके वहां पे इसकी HTML को भी देख लेते हैं। एंड हियर यू कैन सी कि जावास्क्रिप्ट ने 100 आइकन्स को जनरेट किया है, और हर आइकन के पास टॉप एंड लेफ्ट ऑफसेट की वैल्यू रेंडमली आई है, राइट, और इसका रिजल्ट हम यहाँ पे देख भी रहे हैं। तो दोस्तों ये हमारा प्रोजेक्ट नंबर 10 था जावास्क्रिप्ट के ऊपर, एंड आई होप कि आपने काफी सारी जावास्क्रिप्ट को लर्न किया होगा। अब मेरी और आपकी मुलाकात होगी प्रोजेक्ट नंबर 11 में। इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट लेके आऊंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर।